कैसे? मेरे ख्याल से सब ठीक ठाक है। तो आज का टॉपिक ये है कि हम इंटर का रिजल्ट कैसे देखेंगे, 12th का रिजल्ट कैसे देखेंगे हम, वो भी जैक बोर्ड का। तो गाइस वो 30 अप्रैल को रिलीज होने वाला है, 30 अप्रैल को पब्लिश होने वाला है इनका रिजल्ट, वो भी 2 बजे के आसपास में। तो गाइस उससे पहले आपको बता दें कि आप लोग को जैक बोर्ड की जो वेबसाइट है इसमें आने में आपको दिक्कत हो रहा है। अभी जैक बोर्ड का वेबसाइट अभी ओपन नहीं हो रहा है, उसमें अभी यूजर आईडी उसमें अभी यूजर आईडी और पासवर्ड मंगा जा रहा है। तो गाइस अभी हम दिखा रहे हैं आप लोग को, हम जैक का ये जो साइट है हम ओपन कर लिए हैं और यहाँ पे हम इसको क्लिक करते हैं उसके ऑफिशियल साइट को। देखिए यहाँ जैक रिजल्ट 2024 है, इस जगह पे हम इसको क्लिक किए हुए हैं अभी। तो आप देखिए यहाँ पे साइन इन में यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है। तो गाइस यहाँ पर आप दे तो दे क्या, इस तरह से कन्फ्यूज हो रहे हैं सारे स्टूडेंट। तो इसमें गाइस घबराने का कोई बात नहीं है, कुछ नोटिफिकेशन ही नहीं आ रहा है ना कुछ बताया जा रहा है, इसमें पूरी तरह से सन्नाटा भी है समझ लीजिए। तो गाइस इसमें आप लॉगिन कर नहीं पाओगे, अभी जैक का जो वेबसाइट है उसमें आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। और ये यूजर आईडी और पासवर्ड जैक बोर्ड ने 3 से 4 दिन पहले ही इस तरह से प्राइवेट करके रखा हुआ है। तो गाइस इसको एक तरह से बोले तो प्राइवेट ही है, अभी अपना चार्ट प्राइवेट करके रखा है। तो गाइस हर बार जब भी रिजल्ट देता है तो सारा स्टूडेंट जो है जैक का साइड में सर्च करने लगते हैं, आ जाते हैं। तो इस तरह करने से उनका वेबसाइट में क्रेश होने का चांस ज़्यादा रहता है, यानी सर्वर जाम हो जाता है, फिर बहुत लेट से रिजल्ट आता है, तो फिर रिजल्ट देख नहीं पाते हैं। उसी कारण से यहाँ पर प्राइवेट करके रखा गया है इनके साइट को। यहाँ पर आप कुछ कर नहीं पाओगे, इनके साइड में घुस ही नहीं पाओगे आप चेक बोर्ड का साइड में। तो गाइस इसमें क्रेश होगा ही नहीं और टाइम पे रिजल्ट भी आ जाएगा, जब तक जेक वालों ने अपना रिजल्ट को पब्लिश कर दें, उसके बाद ही ये यूजर और पासवर्ड जो मांग रहा है ये हट जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद आपको जैसे ही क्लिक करेंगे रिजल्ट में तो वहाँ पे इन क्लास वाइज दिखाएगा, सब्जेक्ट वाइज दिखाएगा रिजल्ट आपको। आर्ट्स का अलग दिखाएगा, साइंस का अलग दिखाएगा और कॉमर्स का अलग दिखाएगा इस तरह से। तो गाइस इस तरह से आप घबराए ना, क्योंकि 2 बजे के बाद यानी 2 बजे आसपास से ठीक हो जाएगा, यानी यहाँ पे आपको पासवर्ड और यूजर आईडी मांगेगा नहीं। जैसे ही आप इस साइड में आएंगे जैक का साइड में और इस वाले साइड पे क्लिक करेंगे तो वो आपको रिजल्ट का ऑप्शन में लेके आएगा और वहाँ पे अपना रोल कोड रोल नंबर डाल के रिजल्ट देख सकते हैं। तो गाइस ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।